तो हेलो बच्चों, एक और धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ हम करने वाले हैं प्रथम उल्लंघन प्रपत्र आपका कक्षा 11वीं का राजनीति विज्ञान का। यहाँ पे आपको पॉलिटिकल साइंस का आंसर आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूर्णांक आपका 20 रहने वाला है। सभी क्वेश्चन के आपके एक नंबर आपको दिए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या लिखा है, सरकारें कैसे बनती हैं। तो आपका पहले का आंसर क्या हो जाएगा, सरकारें कैसे बनती हैं और कैसे कार्य करती हैं, यह स्पष्ट होता है। तो किससे होता है, तो ये स्पष्ट होता है हमारा राजनीति विज्ञान से होता है, राजनीति से होता है। पहला आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट ही राजनीति है, तो आंसर हमारा इसी से आएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर देखिए, आधुनिक काल में सर्वप्रथम यह किसने सिद्ध किया कि स्वतंत्रता मानव मात्र का मौलिक अधिकार है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा रूसो, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो यदि आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन आपका लिखा है, हिंद स्वराज किसकी रचना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका महात्मा गांधी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपका लिखा है, अंग्रेजी इंटरनेट के उपयोग करने वालों को कहा जाता है, तो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं नेटिजन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव में देखिए, मनुष्य किन मामलों में अन्य प्राणियों से अद्वितीय होता है। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी यानी डी नंबर सही हो जाएगा। उसके पंख नहीं होते, बिल्कुल सही है, वह अपना घर स्वयं बनाता है, यह भी सही है, उसके पास विवेक होता है, सभी बात सही है। क्वेश्चन नंबर सिक्स में देखिए, राजनीति सिद्धांत बताते हैं, क्या बताते हैं, सामाजिक जीवन संबंधित नीति एवं विचार, सरकार से संबंधित नीति, संविधान का आकार ग्रहण करने के संबंधित नीति, यानी कि आपका सभी सही इसमें भी आपका हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन पर देखिए, प्लेटो किसका शिष्य था। तो इसमें आपको आंसर आपको बता देना है, किसके थे, सुकरात के जो है ये प्लेटो शिष्य थे, ठीक है। तो देखिए आठवां क्वेश्चन आपका लिखा, द रिपब्लिक किसकी रचना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, सुकरात के ही ये रचना कहलाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नौ पर देखिए, तो नौवें क्वेश्चन में आपका दिया गया है, स्वतंत्रता के नकारात्मक पहलू का विचारक था, तो कौन था। तो इसका नौ का आंसर आपका देखिए, इसका आंसर मुझे नहीं मिल पाया है। तो यदि आपको पता है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पर आप कमेंट करिए, जिससे सभी छात्र को जो है ये सुविधाएं मिल सके कि आंसर इसका क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं, यदि आपको नहीं मिलता है तो मैं कुछ देर बाद इसका आंसर ढूंढकर आपको जो है कमेंट पर पिन कर दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलिए, यहाँ पे क्या लिखा है, स्वतंत्रता के सकारात्मक पहलू का विचारक था, तो कौन था। तो दसवां का आपका हो जाएगा यहाँ पे हॉब्स, राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 11वां का, 11वां में क्या लिखा है, स्वतंत्रता तथा समानता परस्पर विरोधी हैं, इस विचारधारा का समर्थक कौन था। तो बता दें आपको जो है लास्की जो है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पर देखिए, आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है, यह कथन किसका है। तो 12 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा GDS कॉल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस पर कोई आंसर आपका दिया नहीं है, तो इसलिए आंसर इसमें जो है आपका गलत दिया गया है। तो आपको इसके बोनस अंक, यदि आपका क्वेश्चन ये गलत होता है तो आपको बोनस अंक मिल जाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि आपको पता है कि सही है गलत है तो आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स पर। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, नागरिक स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा कानून के समझ में समानता, 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है, लिबर्टी की व्युत्पत्ति लिबर शब्द से हुई जो शब्द है, तो क्या है, फ्रांसीसी भाषा का आपका क्या है, शब्द कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, इसमें क्या लिखा है, 15 नंबर में यहाँ पे दिखा है, स्वतंत्रता अति शासन का विरोधी है, यह कथन किसका है। तो 15 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, रूसो हो जाएगा, ठीक है। तो रूसो इसमें देखिए, इसमें रूसो दिया नहीं गया है, यानी इसका भी आपको बोनस अंक मिल जाएगा। यदि कुछ जो भी आप आंसर इसमें लगाएंगे ऑप्शन में, आपको उसको एक नंबर आपको बोनस अंक दिया जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ही आपका गलत दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 पर देखिए, जहाँ कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता नहीं हो सकती, यह मत किस विद्वान का है। तो 16 नंबर का आंसर आपको हम बता दें कि ये क्या है, लास्की इसका राइट आंसर हो जाएगा, 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, कानून का किस प्रकार का संबंध निम्नलिखित में स्वतंत्रता के साथ है। तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के विरोधी, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर देखिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया गया है, आन लिबर्टी रचना किसका है। तो इसका 18वें का आपका आंसर हो जाएगा J.S. मिल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का देखिए, स्वतंत्रता अति शासन का विरोधी है। देखिए फिर से क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो इसके जो है आपको जो है यहाँ पे आपको बोनस अंक मिल जाएंगे। आपका इसका आंसर आपका क्या है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 पर देखिए, नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का शीर्षक क्या है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा लॉग बॉक टू फ्रीडम। तो देखिए हमने सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करना है और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे सभी सब्जेक्ट के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।